जय माता दी। सुवर्ण पैलेस में अज 26 सितंबर तो भगवत गीता की कथा चल रही है। हुण कथा सुनो, आओ थानू कथा लाइव कथा दिखाते हैं। जय माता के बीच में श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुष वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किं किराशिष किं। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। सूत जी, आप तो अपने गुरु महाराज के परम लाडले हैं और आप तो ज्ञान में अग्रणी हैं। आपका ज्ञान अज्ञान भंत विध्वंस कोटि सूर समप्रवाह सूत अख्याही कथा सारम मम कर्ण रसाय। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है और आप ऐसी कुछ कथा सुनाइए जिससे हमारे मन मंदिर में आनंद रूपी परमात्मा विराजमान। सज्जनों, आपके नगर में यदि कोई बाबा आ जाए और पता चले कि प्रभु की कृपा से बाबा जी बड़े चमत्कारी, देखो माताएं मुस्कुराने लग गए, भाई बांधव भी मुस्कुराने लगे, चमत्कारी बाबा आ गया, मन में लड्डू फूटा। हाँ, और बाबा सब मनोकामना पूरी कर देते हैं। लाइन लगा लेंगे आप, पहुंच जाएंगे सब। अभी कथा हो रही है, 10 बजते ही घड़ी देखेंगे कि कब लंगर चालू हो जाए, परंतु बाबा जी यदि 12 बजे तक बैठाए रहेंगे, बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चमत्कार पसंद है।
और आज पूरे भारत में यही हो रहा है। चमत्कार, यदि चमत्कार करना होता तो बाबा नानक के पास कुछ कमी थी? है? कोई कमी थी? उन्होंने साफ कह दिया क्या कि बुरे बसे रहो और अच्छे उजड़ जाओ। क्यों? क्योंकि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुस्सा बुरा न कोई। बुरे जाके बुराई करेंगे लेकिन अच्छे जाके अच्छाई करेंगे। आपके 10 गुरुओं ने किसी ने कहा कि चमत्कार में पढ़ो, कर्म करो? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और सज्जनों, बार बार दास की विनती है, आप लोग चमत्कार के चक्कर में ना पड़े, बस कर्म करें। यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, भाई बांधो, कर्म करिए, बस कर्म। क्योंकि आपके 10 गुरुओं ने कर्म किया, स्वयं जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं वो जब से जन्म लिए और इस धरा धरती से लीला के करने के बाद भी कर्म करते रहे, स्वयं राम ने कर्म किया, फिर आप लोग चमत्कार के चक्कर में क्यों पड़े? है? चमत्कार नाम का कोई शब्द होता ही नहीं। चमत्कार केवल जादूगर दिखा सकता है, संत कभी चमत्कार नहीं दिखाते, चमत्कार अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। और गुरु बदलना बंद करें। ब्रांडेड गुरु आया, आपने उसको पकड़ लिया, है? चमक धमक वाला आया तो तुम्हारा बाबा झुग्गी में रहता उसको छोड़ दिया। अरे बाबा जी के तो बड़ी अच्छी गाड़ी, अरे जाने के बाद बाबा जी तो क्या बादाम देते हैं खाने को, और बेचारा झुग्गी वाला आपको मिश्री देता है। ऐसा ना करें। एक कपड़े नहीं है कि महीने के बाद आपने बाबा बदल दिया या कि वस्त्र बदल दिया। गुरु तो ऐसा है, गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुरुदेवन के देव, गुरु भेजे नर्क में तो मेरा है स्वर्ग की आस। गुरु बदलने का विषय नहीं है, टाइम पास का विषय नहीं है। और वैसे तो आजकल आपके गुरु तो श्री गूगल भगवान है। बोलिए जय श्री राधे। यहाँ पे कुछ विद्वान मूर्ति बैठे होंगे, वो गूगल भगवान से जब हम संस्कृत के श्लोक बोलेंगे तो देखेंगे कि सही है कि नहीं। गूगल गुरु जी बताओ धन विद्या बल विद्या कहाँ है? इसलिए भागवत की कथा मनोरंजन का विषय नहीं। मंदिर में आप जाते हैं, मंदिर जाने का विषय ये नहीं है मगता बनना। अगर मैं मांगू तुझे तू न देना मुझे, अगर मैं मांगू तुझे तू न देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। मजदूर मत बनो, आशिक बनो। और सूत जी महाराज बड़े आनंदित हुए उनके ऐसे प्रश्न को सुनने के बाद। कहते हैं कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद ना होने दो। यदि आपके नगरी में कोई महापुरुष साधु आ जाए तो उससे एक ही बात पूछो कि मुझे गोविंद कैसे मिलेगा। बोलिए जय श्री राधे। बस। और यदि गोविंद मिल गया तो सब कुछ प्राप्त। गोविंद नहीं मिला तो सब कुछ पाने के बाद भी आप बेकार हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार जन्म लिए, बार बार मर गए, आए और चले गए, खत्म किस्सा। बड़े आनंदित हुए
और उन्होंने कहा, प्रभु आपने ये जो प्रश्न आया हो, क्या आनंद की अनुभूति होगी।
ऐसा लग रहा है जैसे महाराज जी ने आपको थप्पड़ मार के यहाँ बैठा लिया हो, ऐसे लग रहा है जैसे मां की ठंडी लगी हो। देखो हमारे महाराज जी को क्या उमंग है। अरे भाइयों की सेवा करो, इधर भाई बांधो शर्मा रहे क्या? अरे काहे शर्मा रहे हो, शर्माओ तो तब जब कहीं आप ठेके में गए हो। ये तो गोविंद की चर्चा है, बढ़िया तालियां से सेवा करो। शर्माओ मत, सात दिन के बाद चले जाएंगे हम। Hey, Nazara,
Thank you.
राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे। बोलिए बाके निहारी राधे की। आइए आज आप लोगों ने संक्षिप्त रूप में भागवत की कथा का श्रवण किया। इसका सार क्या है? कथा सुनने के बाद गोविंद के नाम का सिमरन चलने लगे, यही कथा है। और कल तो बड़ी दिव्य आनंदमयी कथा, सूत जी महाराज जी के 6 प्रश्नों को करना, आहा कपिल भगवान की कथा, कौरव पांडवों की कथा, बड़ी दिव्य कथा है। सभी लोग आरती करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा को आप लोग रसास्वादित किया, रसपान किया। जैसे कहते हैं ना, सागर को गागर में भर के परम पूज्य महाराज श्री ने हम लोगों को श्रीमद् भागवत जी के महत्व की कथा को श्रवण कराया। कल जो है श्रीमद् भागवत जी कहाँ से आई, कैसे आई और हमारे आपके बीच में कैसे प्रकट हुई, ये सब कथाएं आप कल श्रवण करेंगे। तो आप सभी भक्तों से मैं करवत निवेदन करूंगा कि आप समय का विशेष ध्यान देते हुए कि यहाँ पर आप सभी लोग 6 से 6:15 बजे तक यहाँ पहुंच जाए। परम पूज्य महाराज श्री गद्दी पर ठीक 6:30 बजे यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे, जिससे समय से कथा प्रारंभ होगी और समय से कथा का विश्राम भी होगा। आइए हम सब मिलकर के परम पूज्य श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे। देखिए परम पूज्य महाराज श्री का एक चैनल भी है जो आप लोग यूट्यूब के माध्यम से भी आप दर्शन कर सकते हैं, कथा को श्रवण कर सकते हैं। श्री त्रिभुवनदास जी महाराज, आप डाल करके सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, आगे और शेयर भी करेंगे। आइए हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे। Oh,
प्यास के नाथ आप हो, प्यास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सुख
भोला राजा परचित जी महाराज की, बोले संत भगवान की, बोलो हरि भक्त की, बोले संत सनातन धर्म की, धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या संत सनातन धर्म की भारत अखंड हो। जब तक के लिए प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा जय श्री राधे ओम शांति 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 सर्वरिष्ठ शांतिर्भवतु। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो भक्त
वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी लोग लंगर का प्रसाद पा। Thank you.